हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कल है करवा चौथ। तो करवा चौथ की वैसे सारी तैयारियां हो चुकी हैं हमारी, और ये देखिए रिनी आई हुई है हमारी मेहंदी लगाने के लिए। तो कल आ गई थी, पैरों में तो लगा दिया इन्होंने हमारे, रात को ही लगा दी। मुझे ऐसा करता है पैरों में लगा था, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाती मैं वैसे ही पैरों में, थोड़ी सी लगा दिया इन्होंने कि नहीं भाभी लगा देती मैं आज ही, और कल लगाएंगे हाथों पर। तो मतलब आज हाथों पर लगाएंगे। तो मैंने बनाई है नाश्ते में आज मैगी, ये देखिए ठंडी हो गई रही। फिर आज सबको मैगी खिलाई। आज पापा गए हुए हैं गाजियाबाद अपनी दवाई वगैरह लेने के लिए डॉक्टर के पास, तो बस हम लोग मैगी खा रहे हैं। बच्चे सार्थक का है SPTM, तो वहाँ जाएंगे फटाफट फटाफट। आज कपड़े भी धोए हैं, मशीन लगाई सुबह से ही, तो बस काम में लगे हुए हैं सुबह से। मम्मी मैं हम तीनों रह गए, शगुन ने खा लिया, सार्थक पति देव ने सबने कर लिया नाश्ता, हम तीनों रह गए। और तो बस सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, लेकिन पहले भी लगा ले जरा मैगी, मतलब प्लेट्स में लगा ले। तो दोस्तों, इधर मैं हुई तैयार सार्थक की PTM में जाने के लिए, और 10:30 बज रहे हैं अभी। रिनी अपना आराम फरमा रही है, तो जब आ जाएंगे आने के बाद, फिर वैसे हमने खाने की तैयारी कर दी है, और फिर अपना रोटियां वगैरह सेक के फिर लगवाएंगे मेहंदी आराम से बैठ के। तो अभी जा रहे हैं फटाफट, पतिदेव अपने बाहर वेट कर रहे हैं, बच्चे अपना पहुंच गए बाहर, तो बस निकल रहे हैं। दोस्तों, हम कराए हैं पेरेंट्स मीटिंग, और यहाँ चालू हो गई है मेहंदी लगनी। तो इधर मम्मी की मेहंदी की शुरुआत, ये देखिए मम्मी की, तो इधर ही लग गई, सुंदर लगाई। अभी मेरे हाथ पे आ गई, अच्छी लगी। एक हाथ पे तो लग गई है, पीछे रह गई अभी। केले बढ़िया बोल रहे सब, बेचारा टूट सा दूसरे पे लगा रही है। वाले से जस्ट अभी आया हूं मैं, तो कपड़ा बदलना है बस। देखो कितनी सुंदर सुंदर मेहंदी लगेगी, बच्चे भी देखने लगे हुए हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। हम अपना रोटी वगैरह सेक लेते हैं फिर, है ना मम्मी? 12 तो बज गए, 12 बज गए, फिर उसके बाद हम भी लगवा लेंगे। मेरी लगने के बाद लगा लेंगे, फटाफट लगवा लूंगी मैं, फटाफट खाना बना देती हूँ। गला सूख रहा, पानी पी लो, गर्मी सी ही तो है। इधर आलू बॉईल कर गए थे हम, और इधर बनाएंगे आलू का रायता, और इधर बनाई है भिंडी की सब्जी। तो बस सब फटाफट पहले बना लेते हैं आलू का रायता, फिर अपना रोटियां सेक लेते हैं। अखरोट है हमारे, हमने डिब्बे में रख के, मतलब रखे थे काफ़ी टाइम से, और ये इसमें ना थोड़ा कड़वापन सा आ गया है, तो इसको हमने क्या करा, थोड़ा सा रोस्ट कर दिया घी डाल के हमने, थोड़ा सा सही हुआ लेकिन ठीक नहीं हुए, ऐसे कड़वे लग रहे हैं खाने में। मम्मी ने रख दिए थे, मम्मी रख के भूल गई इसको, फिर जब निकाले तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि खा के देखें थोड़ा हल्का कड़वापन सा आ रहा है, रखे रखे हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, हम देखते हैं क्या बनाएंगे इसका। तो दोस्तों, हमारी भी शुरुआत हो गई मेहंदी लगाने की, और अभी देखिए डिजाइन विजाइन उन्होंने पसंद कर लिया खुद से, मैंने कहा जो आपको अच्छी लगे भैया वो लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऐसी पसंद नहीं है, जो अच्छी लगे मतलब इजी में लगा दें वो लगा देंगे, वैसे बहुत सुंदर लगाती है मेहंदी। तो स्टार्ट किए और देखते हैं कैसे लगाएंगे, ये दिखाएंगे आपको। तो ये इधर देखिए मम्मी के लग चुकी है मेहंदी दोनों हाथ, मम्मी दिखा दो, मम्मी दोनों हाथ है ना, अच्छी लग रही है, दोनों दिखा दो, पीछे से भी दिखा दो, ये अच्छी लग रही है। मम्मी सबसे पहले लगवा दिया, अब हम लगवा लेते हैं, चल लगवाने के बाद दिखाएंगे फिर आपको। इधर मम्मी तो सो गई है मेहंदी लगवा के, मम्मी को नींद आ गई है। इधर रिनी अभी लगा रही है, अभी तो थोड़ी सी हुई है, मम्मी अपनी गहरी नींद में, उनको पता ही नहीं। तो दोस्तों, इधर लगा रहे हैं चीनी और नींबू का घोल, जिससे जल्दी नींद छूटेगी, तो ये बना के रख लिया हमने, और वही लगा रही हूँ। उसके बाद पहले ना खाएंगे खाना, इसकी एक तरफ लगी अभी मेरी मेहंदी, दिखाती हूँ आपको, फिर उसके बाद दूसरे हाथ में बाद में लगवाएंगे खाना खाने के बाद। तो अच्छी लगी, कैसी लगी दोनों लगी फिर बताऊंगी।
और चल रहे हैं अभी किचन में, पहले खाने खाना। मेरे दूसरे हाथ के लिए मेहंदी स्टार्ट हो गई है और इधर देखिए बहुत सुंदर लगाई है मेहंदी। मम्मी भी दूध लेके आ गई है ना, दूध है मम्मी दूध लेके। तो मैं सोच रही हूँ आज देखो 3:30 तो बज गए, अभी तो अभी हमारी मेहंदी लगी नहीं है, मेहंदी लगते लगते अभी तो टाइम लग जाएगा। तो मैं सोचे खाना कौन लाएगा सार्थक आज? मैं थोड़ी लाऊंगा, वही बनाना पड़ेगा आज तो। शगुन सार्थक से बनवाएंगे हम खाना। परसों सुनिए, शगुन सार्थक से ही खाना बनवाएंगे आज हम। अच्छा कौन रोटी बनाएगा, कौन सब्जी बनाएगा ये देख लो। सार्थक बना सकता है क्या? पापा से बनाएगा पापा से सब्जी बनवा लेना, रोटी हम बना लेंगे। आलू की सब्जी पापा बहुत टेस्टी बनाते हैं, रोटी हम बना लेंगे। रोटी तुम बनाना, भाई बनाना। आटा कौन लगाएगा? मैं लगा लेगा आटा। हाँ शगुन क्या क्या कर सकता है? शगुन तो रोटी, शगुन ने तो मैं आटा फिक्स कर लिया। मैं आटा सेकूंगा क्योंकि हम तो भैया मेहंदी लगवाएंगे, अभी तो हमारी बस इतनी ही लगी है ना, अभी तो 3:30 तो बज गए, इतनी लगी अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो वही आधा घंटे हो जाएगी ये वाली पूरे दोनों पीछे से, फिर अब ये ना फिर छुड़ानी पड़ेगी तो रंग नहीं आएगा ना, रंग लाने के लिए थोड़ी देर तक रखनी पड़ेगी ना। आज आज से बनवाएंगे, देखते हैं कौन बनाता है। तो दोस्तों हमारी चाय बन के आ गई है, इधर मम्मी लेके आई है चाय बना के हमारे लिए, और अभी हमारी बस मेहंदी भी रह गई है, कंप्लीट हो गई है। तो चाय का टाइम हो गया, 5 बज गए ना हमें, 5 बज चुके हैं, चाय बन के आ गई है और पीने वाले कम मेम्बर दिख रहे हैं। और चाय चाय बना गई अभी ये गए हुए हैं, अभी अभी आए नहीं है, तो उनकी चाय भी आई थी कि आ जाएंगे। चलो हम पी लेते हैं तब तक चाय अपनी, मम्मी भी थक गई होंगी बहुत देर से, भैया बहुत बारीक बारीक लगाई है ना मेहंदी, बहुत इतनी घनी मेहंदी लगाई है इन्होंने, तो टाइम इसलिए लग रहा है, लेकिन बहुत बारीक है। तो बस चाय पी ले पहले हम अपनी, मेहंदी भी यहाँ से पी ली है, बिस्किट लेके बैठी है मम्मी भी देंगी बिस्किट, देंगी चाय के साथ बिस्किट खा लेनी खिलाएगी खाने का हाथ सूख गई है मेरी, कटोरी सूख गई है तो साथ ही सूख गई, यहाँ से थोड़ा गीला सा है। तो बस पी लें दोस्तों चाय। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए काटे जा रहे हैं एप्पल पतिदेव द्वारा क्योंकि हमारे में मेहंदी लगी हुई है, तो हमने कहा गीले हाथ अभी नहीं कर रहे, हम खा नहीं पाएंगे हमें एप्पल खिला सही कह रही है ना वो, इसलिए चल रहा है ये काम। और बस हमारी तो मेहंदी लग गई दोस्तों, अभी दिखाती हूँ मैं पूरी किस तरीके से लगी है। चीनी और उसका नींबू का घोल लगा ले तो उसके वजह से चिपक गई है, ताकि छूट ना जाए जल्दी से, इससे रंग भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो दोस्तों हमारी लगी है आप। दोस्तों कल करवा चौथ है, लेकिन उससे नेक्स्ट डे हमें सुबह जाना है इवेंट में, तो बस उसकी भी तैयारी साथ साथ चल रही है। और ये देखिए पर्पल पर्पल से कलर, ये वाइन कलर है वो, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। बस मैंने अभी मेहंदी जो एक्स्ट्रा जो हो गई थी वो छुड़ा दी है, ये पानी में तो नहीं भिगो रही थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि मुझे अभी पैकिंग भी करनी है वहाँ जाने के लिए इवेंट में, तो करेंगे अब थोड़ी देर में पैकिंग, अभी तो टाइम है काफ़ी, तो रात को ही मैं पैकिंग करके रख दूँगी कल, मतलब पैकिंग का ज़्यादा काम नहीं रहने दूँगी, जो भी आज ही कर लूँगी। तो बस फिर अभी ये चेक कर रहे हैं अपनी जो जो शर्ट वगैरह सिलवाई है, चेक कर रहे हैं साइज वाइज कैसा है, सही आ रहा है। तो दोस्तों मेहंदी का रंग अभी देखिए इतना इतना आया है, और सुबह तक तो काफ़ी आ जाएगा, तो सुबह दिखाऊंगी मैं कितना रंग आया है, अभी तो अभी इतना लग रहा है।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।